नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी की चिंतन निकाय श्रृंखला में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। पंडित अरविंद कुमार आजाद जी हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। आपने जिक्र किया था माखन चोरी का, तो मुझे ये स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना था कि आपका कथक की गत के लिए और गत भाव के लिए, जो जिस तरह से आप तबला बजाते हैं या ठेका पकड़ते हैं, वो इतना स्पेशल है कि मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि इसका बनारस का बाजयांग कितना है, और आपकी खोज तो जरूर होगी इसमें कि किस तरह से संगत गत के साथ करें। देखिए, बनारस जो शहर है ना, वाराणसी काशी, ये सब उसी शहर के नाम है। और संगीत में जितनी विधाएं होती हैं, बनारस ही एकमात्र ऐसा शहर है जो गायन का भी घराना है, तंत्र वादन का भी है, कथक का भी घराना है, और तबले का तो है ही। बिल्कुल। अब तबला जो है, ये मूलतः संगति का वाद्य है। इसकी उत्पत्ति का उद्देश्य यही रहा, संगत। तो इन सभी चीजों का, तबले से पहले हम आपको बतलाएं कि बनारस में एक दौर ऐसा था कि सारंगी के एक से एक ऐसे मूर्धन्य कलाकार हुए बनारस में, जो आज भी पूरा संगीत जगत उनका नाम लेकर इतराता है। ऐसे कई अनगिनत नाम है तबले में, सारंगी में, बहुत सारे। तो इन सभी चीजों का प्रभाव तबले पे पड़ना बहुत लाजमी था। उससे बनारस का तबला इतना समृद्ध हो गया, और फिर वहां के तबले के विद्वान लोगों ने अपने शोध से, अपने विचार से बनारस के तबले को इतना विकसित कर दिया, इतना समृद्ध बना दिया कि वो संगीत की हर विधा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त लगे। जी और कथक तो बनारस का अभिन्न अंग है। बिल्कुल तो जो हमने अपने बुजुर्गों से, अपने गुरु लोगों को देखा था बजाते हुए, वो मेरे मन मस्तिष्क पे वो इतना प्रभाव अंदर तक कि वाह आज भी हम जब उनको याद करते हैं तो हम वो कार्यक्रम देख लेते। वाह क्योंकि ये बहुत ऐसा अद्वितीय एक एक कार्यक्रम हमने देखा है। तो जब हमको ये सब करने की बारी आई, तो वही जो रजिस्टर हुआ था यहाँ, कुछ जो स्मृति में हमारे है, वो अपने आप तबला वैसे ढलता चला गया। हमने कुछ उसमें बहुत कुछ नया काम किया है, हम इतने ये नहीं है। बेबीताई के साथ बजाते बजाते गत में, खासकर गत भाव तो एक प्रसंग है, जी तो आपको उस प्रसंग को पहले समझना पड़ता है। जी उस पात्र को भले कथक कलाकार कह रहा है, कर रहा है, लेकिन असल में हम भी उस पात्र को ही जी रहे हैं। जी आप अपने नर्तन से उस पात्र को जी रहे हैं, हम तबले से जी रहे हैं। जी तो जब आप उस रूप में ढल जाएंगे, तो माखन चोरी हो या कोई भी प्रसंग हो, वो आपके तबले से, गायन से उसकी अभिव्यक्ति होगी। जी यदि आप ढल गए उस पात्र में तब, मगर गत निकास ये इतना श्रृंगारिक, और उसमें बनारस के विषय में आपने कहा कि तबले के विषय में, तो बनारस का तबला जो है ना, ये बहुत सौंदर्य प्रधान तबला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और डग्गा जिस तरीके से आपका बोलता है, उसकी तो अरे कोई नहीं, हमारा नहीं, हम बेजोड़ है, तो बेजोड़ है। देखिए, आपने बाएं की बात की, डग्गा के विषय में आपने कहा, तबला और डग्गा ये नर और मादा कहते हैं। तबला जो है ये मादा है, फीमेल जी है, डग्गा जो है ये पुरुष है।
है ना, ताजी। तो वो भराव जो है ना, हाँ वो जो तबले में एक्सप्रेशन का पार्ट है वो बायां ही अभिव्यक्त करता है। वाह जी जी बहुत से लोग उसको सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हाँ चल रहा है। हाँ बनारस के विद्वानों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। जी पंडित कंठे महाराज जी थे हमारे दादा गुरु, या हमारे गुरु जी पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी, जी उनका बाया ना खर्ज में बोलता था। इतना उतरा हुआ बाया बजाते थे कि जहां आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये बाये में से आस कैसे निकली। वाह लेकिन वही बाया को जब वो दबाते थे तो लगता था कि इतने ऊपर के सुर में भी ये बाया इतना ऊपर चढ़ गया। मगर वो हाथ में ऐसा वो उनके वो ताकत थी और उसका संतुलन ऐसा था ना कि बाया एक अलग वाद्य के रूप में प्रतीत होता था। वाह वाह और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो पंडित सामता प्रसाद जी। ओहो, क्या स्थिति। उन्होंने बाएं की स्याही को अपनी तरफ पलट कर उल्टा करके बजाते थे। और देखिए कि उनको चाहने वाले और उनको फॉलो करने वाले इतने हो गए कि उन्होंने कई तबला वादकों का बायां उलटवा दिया। अच्छा किसी भी घराने का तबला वादक हो, है ना, हाँ जी वो बाएं के लिए ये कामना करता है कि बायां बोले तो पंडित सामता प्रसाद जी जैसा बोले। वो तो इसके आदर्श थे। जिसने भी उनको देखा है, सामने से सुना है, वो अनुभव किया है, वो कभी भूल नहीं सकता है। उनका बायां तो गाता था, बजता नहीं था, गाता था। ऐसा बायां का जादूगर। तो हम इन्हीं लोगों की पूजा तो करते हैं, हम थोड़ी बजाते, हम पूजा करते हैं और रोज ये भिक्षा मांगते हैं, एक दिन हमसे भजवा दो माँ। वाह 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 रोज ये भिक्षा करते हैं, कामना करते हैं। बस वही लोग कभी कभी आशीर्वाद के रूप में आ जाते हैं, हो जाता है, हमारी भूमिका कुछ नहीं होती। क्या कहने हैं, हम इसका एक उदाहरण देख ही लेते हैं आजाद जी। जी 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 जरूर बजाएवा रोनी जी के साथ गत और गत भाव। जी जी जी
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करते करते आप ही का एक कार्यक्रम का हम जिक्र करना चाहते हैं कि यही महाराष्ट्र में भूकंप आया था जी, और वो लातूर का किस्सा है और बहुत ही भयावह स्थिति थी वहां की, और आपने वो बीड़ा उठाया था कि अपने कथक से आप उस प्रसंग को जी रहे थे, उस भूकंप की अवस्था जी, और आपने ये सब बेबीताई के आशीर्वाद से ही आपको सूझा और आपने ये ढाढ़स किया होगा जी। एक तो ये प्रसंग अपने आप में इतना ज्वलंत और इतना मार्मिक और इतना उद्वलित करने वाला जी। अब उसमें आपने दूसरा जो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज रखा था कि बहुत सारे म्यूजिशियंस नहीं थे जी, यहाँ तक कि गाना भी नहीं था उसमें, जी सिर्फ तबला था और हारमोनियम जी, और भूकंप जैसे सिचुएशन को क्रिएट करना सिर्फ दो वाद्य के साथ, ये आपके गुरु से मिला हुआ आपको आशीर्वाद है, वो ताकत है आपके पास। तो मेरे लिए उसको अपने तबले से अभिव्यक्त करना ये उतना ही मुश्किल था, बिल्कुल ना कोई ताल है ना कोई हमको रेफरेंस मिल रहा है जी, उसमें तबले से, ये तो ये सब हमने आप लोगों के साथ काम करके प्रेरित होकर प्रभावित होकर ये सब सीखा और अपने तबले को हमने भी कोशिश किया कि हम बढ़ाएं, तो उसमें बाएं से बहुत कुछ अभिव्यक्ति होती है, हम कहना ये चाह रहे बिल्कुल बिल्कुल कि जहां धीर गंभीर विषय आता था या माहौल आता है वहां तबला वो गंभीरता नहीं पैदा कर सकता यदि आपके पास बाएं की अभिव्यक्ति नहीं होगी। क्या बात है जी, तो अभिव्यक्ति यदि आपको करनी है, कुछ कहना है तबले से, तो बाया उसका अविभाज्य अंग बन जाता है। वाह, बहुत, तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो वाद्य क्या कहना चाहते हैं। जी जी यदि आप इजाजत दें तो एक प्रसंग याद आ रहा है, बिल्कुल आप बोलिए। हमारे गुरु जी का, पूजनीय पंडित किशन महाराज जी का बंबई में तबला सोलो था, हम उनके साथ साथ थे और मंच पे जाने के क्रम में किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आज कौन सा ताल आप बजाएंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था पता है? बताइए, देखिए सोचने वाली बात, उसकी तरफ रुक के देख के बोले, देखें आज तबला क्या कहना चाहता है। ओहो ओहो, देखिए क्या लोग थे, क्या समर्पण है, बाप रे, हम कौन है कहने वाले। तो ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलना जी, तो जो भी बजता है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आशीर्वाद ही बजता है, हम कहाँ तबला बजाएं। अभी आपने जो कहा था इसके बारे में कि एक दो चीजें रोहिणी जी की गाइड की हुई मैं बताना चाहती हूँ, वो उसी रचना का आधार लेके, कि एक तो जो हुआ था भूकंप के बारे में सब लोग हिल चुके थे, तो मेरा भी रिएक्शन आया था, लेकिन वो मैं सह नहीं पा रही थी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अपनी कला ही तो है ना, जिसके जरिए मैं अभिव्यक्त हो सकती हूँ या जो भी। तो मुझे लगता है कि गुरु रोहिणी जी ने हमें इस तरह से ग्रूम किया था कि वो माध्यम हमारे सुपुर्द कर दिया कि हमें अगर कुछ कहना है उसमें से तो हम कह पाए। इस तरह से सालों साल हमारी, मैं कहूंगी, परवरिश हुई है, तो इसीलिए वो संभव हो पाया, ये एक बात है। दूसरी, ये संगत के बारे में जो पहले भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि
अभिनय के जब कोई छोटा मोटा लंबा पीस करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर वादक सह कलाकार सारा याद रख पाए, तो कभी कभी वेरिएशंस होते हैं, कभी कभी जल्दी होता है, बाद में होता है, किसी से भी। तो ये कहती थी कि जब तुम मंच पे एंटर करो तब से तुम्हें वो लीड देना है, मतलब तुम्हारे करने में से क्यूज मिलने चाहिए। तुम राह मत देखो कि ये हमारे साथ उस वक्त वही लाइन बजाएंगे या गाएंगे या जो भी है, वो करने में ये चीज होनी चाहिए कि दिखना ही चाहिए उनको कि इस रास्ते जाना है। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर रचना ऐसी बनी कि जहां बहुत खुलापन था, मेरे लिए भी था, आपके लिए भी था, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें होता था, लेकिन ये इसके पीछे वो उनका बताया हुआ ये रास्ता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुझे लगा कि किसी के काम आ सकता है, तो ये सारा जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ, सारा उन्हीं का दिया हुआ है बस। देखिए संगतकार की भूमिका में हम एक लाइन बोलना चाहते हैं जी, कि बहुत दूर तक चलना पड़ता है जी सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। ओहो हो, वाह वाह जी, बहुत दूर तक चलना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जी बहुत सुंदर। जितना आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, रहते हैं, उतना आप उसको समझते हैं, तो नजदीकी भी बनेगी। तो आजाद जी, मुझे ये और एक सवाल पूछना था आपसे कि अगर आप किसी कलाकार के साथ ठुमरी के लिए संगत कर रहे हैं, तो जब कोई एक ठुमरी जैसे कि याद पिया की आए हैं, तो ये अगर कोई गा रहे हैं और अगर ये कोई नाच रहे हैं, तो संगत करते हुए एग्जैक्टली क्या फर्क करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वाह, जरूर। देखिए जब हम गायक के साथ होते हैं ना, तो गायन ये श्रवण विधा है जी, सुनना है जी, और उसकी जो भी अभिव्यक्ति हो रही है जी, गायक गायिका जो भी कलाकार है, हुँ. तो उन शब्दों को पहले तो हमको समझना पड़ता है। हम एक तो साहित्य में रुचि रखते हैं जी, तो हम एक जो कान है ना, वो हम उसको समर्पित कर देते हैं कि वो साहित्य क्या कह रहा है जी, ये नहीं कि वो ताल क्या कह रहा है। बिल्कुल, तो पहले तो साहित्य के साथ जुड़ जाइए, और कोई बहुत अच्छे से गा रहा है तो हमारी भूमिका जो है हाँ, वो सपोर्टिव है, हाँ, कि उनको ठेका मिले वजन से और नजाकत हो उसमें, ताकि उनकी गायकी को कोई ठेस नहीं पहुंचे और बात आगे बढ़े। लेकिन जब कोई इसको कथक कलाकार कर रहा है तो चित्रित हो रहा है थोड़ी, बिल्कुल, तो मेरी भूमिका बदल गई। जी ठेका है मगर अब वो कोई सामने कर रहा है, तो हमको ज्यादा सचेत रहना पड़ता है जी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ठेका आप फ्लैट रखे हैं और नजाकत है ऐसा नहीं चलेगा। वो उनका आपको ठहरना, चलना, रुकना, मुड़ना, आपको सब देखना है, क्या बात है, और तभी आप कथक की ठुमरी बजा सकते हो। वाह, कथक की ठुमरी बजाना और गायकी की ठुमरी बजाना ये बहुत अलग अलग बातें हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ठुमरी के बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाया, गायक गायिकाओं के साथ जी, आपा जी के साथ बहुत बजाया, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया जी। पंडित राजन साजन भैया ज्यादा तो ख्याल गाए, मगर वो विशेषकर पंडित राजन भैया, राजन मिश्रा जी ठुमरी के अद्वितीय गायक थे, और जिसने भी उनकी ठुमरी सुनी है जी, वो उनका मुरीद हो गया है। ऐसा वो मतलब हम आपको क्या बताएं। मैंने कई बार आपको उनके साथ बजाते हुए सुना है,
और उनको ही गुरु रोहिणी जी जैसे आपको अप्रिशिएट करते हुए भी कई बार देखा है। सर ये बड़े लोग होते हैं, हम लोग बोले नहीं यही लोग करवा के देते, वो हौसला बढ़ा देते। और मेरी जीवन या मेरी जीवन में अभी तक की जो भी सांगीतिक जीवन है इसमें तो हम आजीवन उनके ऋणी है जी। उन्होंने संगत की विधा हमको सिखलाई। और मैं अक्सर कहता हूँ इसके अलावा मैंने जिसके साथ बहुत बजाया, अब तो वो अपने बीच नहीं रहे, ठुमरी के अद्वितीय गायक थे वो, बहुत बड़ा नाम पंडित जगदीश प्रसाद जी, क्या गाते थे, इतना सुरीला इतना मीठा गाना। तो मुझे ये सब सुनने का मौका मिला और उस उनके बगल में बैठकर ठेका रखने का मौका मिला। अब जब कथक कलाकार की बात बारी आती है तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी के साथ भी बहुत बार अवसर उन्होंने दिया, अपना बच्चा समझ के अपना शिष्य समझ के जी, तो गायक और नर्तक दोनों हैं। जी बिल्कुल। तो हमने इन लोगों से सीखा और उनका चलना उनका ठहरना, और वो सिर्फ आंख से क्या क्या कह सकते हैं, तो मेरे तबले में वो कैसे अभिव्यक्ति होगी जी, ये आप उनको देखेंगे तभी आप सीखेंगे। बेबी ताई रोहिणी दीदी भी ऐसी ही कलाकार थी, तो उनको हम देखते थे बजाते कम। जी आप उनको यदि मन से देखेंगे ना तो आपका गाना हो तबला हो उस रूप में ढल जाएगा। ये वो एक ऐसी चुंबकीय ताकत है इन लोगों के पास, एकदम आपने समर्पक चीज कही है ना, कि वो करवा लेता है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। जी हम बार बार यही कहेंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम क्या तबला बजाए, ये बहुत बड़े लोग हैं, बस आपको अपनी नजर रखनी है उनके साथ आप रहिए तो आपकी भूमिका अपने आप बनती जाएगी। लेकिन हाँ सचेत रहना पड़ता है क्योंकि इन लोगों का कुछ भी तय नहीं होता है। वही ठुमरी आज एक मिजाज में हो रहा है, कल वो दूसरे मिजाज में हो सकता है जी। उनका बहुत कुछ है कि हमको यहाँ ऐसे करना है वैसे करना है, मगर एक दो बातें ऐसी हो जाएंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप यदि सचेत नहीं है अलर्ट नहीं है तो फिर वो नीरस हो जाएगा, जी और यदि सचेत है तो बनारस हो जाएगा। वाह वाह, अच्छा बहुत खूब जी जी। मुझे मतलब अभिनय की तो बात नहीं है, लेकिन कहाँ किस तरह का वादन रखना चाहिए, ये उनकी जो कोरियोग्राफीज होती थी, जो थीम बेस्ड कोरियोग्राफीज जो एब्स्ट्रैक्ट होती थी, उनमें भी मैंने बहुत देखा है कि मतलब कभी कभी ठेके का एक बंधन बन जाता है जो इस तरह के विषय में नहीं रखा जा सकता। तो जैसे कि तन्मात्र विषय है, पंचम महाभूतों पर उनकी रचना थी, तो आकाश में या जल या अग्नि ऐसे जो चीजें थी बहुत एब्स्ट्रैक्ट, मतलब तन्मात्र का मतलब ही है कि पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप, जहां अभी उनके पूरे रूप बने ही नहीं है, उनका आगमन सिर्फ हुआ है, तो जैसे कि पानी का पानीपन दिखाना है, तो ये सच में मुश्किल बात थी। और इसके लिए उन्होंने जो म्यूजिक निर्माण किया था वो बहुत लक्षणीय था, तो इसके साथ जो आपकी संगत थी वो इतनी स्पेशल थी, मुझे लगता है कुछ आप इसके बारे में या जल के बारे में या ऐसे बताएंगे तो हम जान पाएंगे कि आप कैसे जरूर। इस तरफ देखते थे। आपने वो जो जिक्र किया पांच तत्व, जो आकाश जल अग्नि वायु ये सब जो जी, तो आपने जल का जिक्र किया ना, हाँ, अब इसको आप ठेके में बांधेंगे कैसे। हाँ जी, अब देखिए एक बार ऐसी याद आ रहा है आपको बता रहे हैं कि
हम जहाँ रहते थे ना तब तो हम वो किराए का घर था वहां रहते थे, तो हमारे उन दिनों तो मोबाइल तो था ही नहीं, हुआ ही नहीं था, और हमारे पास फोन नहीं था, तो सामने पड़ोसी के यहाँ एक फोन था, तो वो भी अभ्यस्त हो गया था पड़ोसी जी, कभी भी फोन आ जाता था। तो एक दिन सुबह 7 बजे हाँ, दीदी ने फोन किया, रोहिणी दीदी, और रोहिणी जी का फोन था, और वो पड़ोसी जो है आंख मिसते हुए मलते हुए हमारा दरवाजा खटखटाया, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती का फोन था तो टाल नहीं सकता था, और उसने कहा कि तुमच्यासाठी फोन आहे, तुम्हारे लिए फोन आया है। और 7 बजे के समय हमने कहा ये हमको जो एक नंबर ये बेचारे लोग दिए हैं अब ये बंद हो जाएगा शायद, कोई कभी भी फोन कर रहा। खैर गए हम तो उस दूसरी तरफ से रोहिणी दीदी थी, रोहिणी जी आजाद भाई वो जो हम लोग कर रहे हैं ना पंचमहाभूत हाँ उसमें हमको कुछ सूझ रहा है, आप कितनी जल्दी आ सकते हैं? अब देखिए 7 बजे, और कह रही है कि मैंने इसको सुबह हम 4 बजे से हम लगे थे, मुझे अब वो जगह दिख रही है, वाह 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 आप जल्दी है। मतलब वो हर वक्त जीती थी संगीत, जी वो कोरियोग्राफी वो उसमें इतने ज्यादा रम जाती थी ना। जी अब 7 बजे अब हम रहते हैं जहां, वहां से क्लास करीब करीब 10-11 किलोमीटर, और हमारे पास उन दिनों पुष्पक विमान हुआ करता था लूना, वही अच्छा हमारा पुष्पक विमान था, अच्छा वो अपनी तबीयत से चलता था, 15 मिनट पहले उसको वार्म अप करना पड़ता था, पैडल मारते रहिए उसकी तब तबीयत होगी तो चलेगा। खैर पहुंचे और तब उन्होंने वो जल के विषय में जिक्र किया अच्छा कि हम ऐसे ऐसे नृत्य को लेकर सोचे हैं और उसका ये म्यूजिक पीस होगा, हाँ आप बताइए इसमें तबले पे क्या बजेगा। अच्छा अबे देखिए इतनी बड़ी हस्ती जी आपको प्रेरित कर रही वाह है ना, और आपको वैसे खुला आकाश भी छोड़ दिया है, बिल्कुल बंधन भी नहीं है, और वैसे जल को आकार में आप कैसे बांधेंगे, तो कौन सा ठेका रखेंगे आप, जल का क्या स्वरूप कैसे आप बांधेंगे। सच में तो काम करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ, और जो भी मेरी बुद्धि में उन्होंने जो कोरियोग्राफी की थी उसको देखकर जो हमको सूझा हमने रखा, तो इतनी खुश हो गए, इतना आशीर्वाद दिया हुआ वाह वाह कि बस हमारी कल्पना में जो ठेका था वो आ गया, वाह तो हमको तो मिल गया सब इसमें। आपसे क्या नीलिमा बात जी एक हम शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही कहते कहते कर रहे हैं, हमारे पास जो तबला है ना वो आशीर्वाद का ही तबला है, ओ ये वाह सबके आशीर्वाद का तबला है, वाह ये पुरस्कार का तबला नहीं है, ये आशीर्वाद का तबला है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप वाह नहीं वाकई मन से कह रहे हैं, तो हमने किसी चीज के लिए नहीं आशीर्वाद समझ के सबसे सीखा, और जी वही तबला बजता है। वाह वाह
मुझे लगता है कि ये जो आपका जो जुड़ाव था रोहिणी जी के साथ, जिस तरह से काम हो पाया, उसमें मुझे लगता है कि आपकी जो साहित्य में रुचि है वो भी बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि आप खुद रचते हैं, लिखते हैं, तो ये मतलब गुरु रोहिणी जी बहुत अप्रिशिएट करती थी। हाँ। जी, और मैं कहती हूँ कि आपसे, आपके रचे हुए कुछ ये बंदिशे या स्तुति परण या कविता, आपकी लिखी कविता, ये सुनना चाहते हैं। तो मैं एक एक की फरमाइश करूँ, कोई स्तुति परण आप प्लीज, आपका खुद का स्तुति परण बनारस में। हाँ। तबले में ये भी उसका एक अभिन्न अंग है और गुरु जी तो इसके आदर्श रहे हैं जी। कई सारे स्तुति परण उन्होंने बजाए हैं। एक जो बहुत प्रचलित है, गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे जी, ये तो अपने आप में ही सब कुछ है ये। बिल्कुल। तो उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर मेरे पास कुछ संकलन भी है पुराने लोगों का, कि अपने गुरु जी का लिखा हुआ या अपने घर में बुजुर्गों का लिखा हुआ, कथक के कलाकारों का लिखा हुआ, तबले के विद्वानों का लिखा हुआ, साहित्यकारों का लिखा, बहुत सारा। करीब करीब हमको लगता है कि 10 से 12 शारदा परण जरूर है हमको याद है, कंठस्थ है जी, वाह, अलग 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 लोगों का। ऐसे ही दुर्गा परण भी याद है, काली परण है। तो इन्हीं बातों से प्रेरित होकर, इसके अलावा ये तो देवी देवता पे हो गए, ऋतु पे भी परण बहुत है। मेघ परण है, पावस परण है, बिजली परण है, गज परण है, बहुत सारे प्रसंग पे भी जी। कई परण ऐसे हैं, कभी हम लोग बात करेंगे जी, कि जिसमें साहित्यिक शब्द नहीं मगर तबला पखावज के बोल से आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि ये पावस परण। वाह, तो देखिए क्या रचा है लोगों। एक हमारे पास परण हमको याद है, वो यहाँ हम पढ़ नहीं पाएंगे। उसमें पूरा रामायण है और साहित्यिक शब्द नहीं है। अरे बाप रे, देखिए कैसा सोचा होगा उन लोगों ने। जी 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 खैर, हाँ, आपने हमसे पूछा कि हमने कुछ लिखा हुआ, तो हम कोशिश करते हैं, इसमें रुचि है और बहुत सारे लोगों को सुना तो प्रेरित हो गए कुछ कुछ। तो एक शारदा परम जो हमको सूझा, अभी याद आ रहा है, हम आपको पढ़ रहे हैं। ये झूलना छंद में है। हमारे यहाँ झूलना यानी मिश्र जाति जिसको कहते हैं, उसको बनारस में झूलना छंद कहते हैं। अच्छा, झूलना धान धात धाड़ धात धाड़ धात धाड़ लग धिन धाड़ धात धाड़, ये झूलना छंद कहते हैं। जी जी, और अपने जाति के इसमें जोड़ेंगे तो मिश्र जाति का जो प्रवाह है। तो एक है कि जय तु जय 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 तु जय 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 तु जय जय शारदा, तू कलापिनी तू अलापिनी विद्या वाहिनी लीना धार। माँ सरस्वती को कलापिनी भी कहते हैं, अलापिनी भी कहते हैं जी, विद्या वाहिनी और लीना धारिणी। वाह, तो जय तु जय 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 तु जय 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 तु जय जय शारदा, तू कलापिनी तू अलापिनी विद्या वाहिनी लीना धारिणी। अब आगे देखिए जी, कि तीनों लोक में पूज्य है, वाह, तीनों लोक में पूज्य है तू, ब्रह्म विष्णु महेश करत गुण की बखान है। तीनों लोक में पूज्य है तू, ब्रह्म विष्णु महेश करत गुण की बखान है तेरी, ताल दय दे इंद्र नाच, है ना, ताल दय दे इंद्र नाथे धात धा कृत 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 दाते काल त्रि कृत 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 धा गणा दाते काल धात धा वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे कुछ कुछ कोशिश करते रहते हैं, कभी कुछ वो लोग आशीर्वाद दे देते हैं, बन जाता है। ये बहुत लंबा चौड़ा है जी, अभी जितना याद आया मैंने पढ़ दिया।
जी आपकी कोई परन की बंदिश? परन बहुत सारे हैं, गुरु जी की तो बहुत लाजवाब है। अब ये झूलना छंद की बात चल रही तो इसी में हम कुछ पढ़ देते हैं। देखिए जरूर। दा दिन दिन दा तक दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा तक तक दे कर दिन दा तक दा 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 दिन दा दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दा दा तक दिन दा दा तक दिन दा दिन दा 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 दिन 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 देखिएगा ये छंद चल रहा है। हाँ जी। वाह वाह, बहुत सुंदर। अब क्या बात है। इसमें कोशिश हमने ये की हाँ। कि छंद अपनी जगह है, छंद को तोड़ा है। हाँ जी। धाड़ दा दिन धाड़ दा दिन धाड़ दा दिन दा धान दा कृतक 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 दा कृतक दा अन्न दा कृतक 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 दा कृतक 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 दा गन्न दा दिकान दा अन्न दा कृतक 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 दा दिकान धान दा कत्त दा गन्न दा त्रिकृतक दा। अभी देखिए छंद कैसे टूट रहा है। जी जी तो क्या ये बात सब है। बुजुर्गों की नजर है, उनका आशीर्वाद है, फिर जी उसी जगह हम आ गए आशीर्वाद का तब्बा है। जी जी तो आप रूपी जी ऐसे के इसमें साथ नॉट का जी बजाते हुए कई चीजों, उनकी जो बंदिशें होती थी उनके लिए जोड़ बनाते थे और धीरे धीरे वो उसमें सिलसिले में बैठ जाता था। तो मुझे लगता है एक दो ऐसी चीजें, पढ़िए पढ़िए, आपको याद आ रहा हो तो पढ़िए। जी 10.5 मात्रा में कुछ एक दो चीजें हैं। तो पढ़िए। तिन तिन न क धिन धा क धिन धा धागे तिट किट ता 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 दिग दिग थे 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 ते दिग दिग ता 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 दिग दिग थे ते दिग दिग ता ता दिग दिग थे थे दिग दिग ता दिग दिग थे दिग दिग ता। वाह इसका आपका बहुत सुंदर जोड़ है, प्लीज आप ही पढ़िए। इस 10.5 के विषय में हम कुछ कहना चाहेंगे। जी जी जरूर। हमने ये सब गणित करते हुए गुरु जी को देखा था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था और कभी कुछ नहीं। तो जब पहली बार 7.5 से 10.5 का मौका आया तो पहले तो डर लगा। हम सही बता रहे हैं आपको कि 10.5 ये गिनना कैसे है, यहां से मेरी शुरुआत हुई। खैर, लेकिन उनका करना हाँ वो इतना सहज रूप में 10.5 होता था ना, जी इतना सहज इतना सरल, जैसे 3 ताल हो रहा। जी 10.5 कोई बहुत आधे मात्रे का ताल है और उसका कुछ टेंशन आ रहा है उनको करने में या पढ़ंत करने में, ऐसा कभी नहीं लगता। जी तो वो उसको इतना उनके रोम रोम में वो समाया हुआ था, जी तो उससे हमको भी रास्ता उन्होंने प्रेरित किया और हम भी देखने लगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, ये जो आपने पढ़ा इसमें एक हमको भी हाँ सूझा जी और हमने प्लीज। भी कोशिश की। हाँ। तो हम जो छंद तोड़ने वाली बात कर रहे थे अभी झूलना में, तो इसमें भी शब्दों का टूटना हाँ उसी को हम लेकर चले। अच्छा। हाँ और वो सम के पहले, 10.5 में सम के पहले वो बंदिश खत्म हो रही है। कहने के लिए अनागत आप कह सकते हैं, लेकिन वो सम उसका मौन वाह वाह, बहुत सुंदर कल्पना है। हाँ है ना। तो जी। देखिएगा 10.5 से एक तो ताली ऐसे है कि टेन टेन धन दा धन दा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10.5 जी
अब वो पढ़ते हैं देखिए। वाह वाह। और एक बंदिश जो परन था, थाण था, धा, वो वाला जो परन, तो उसका भी जोड़ आप बजाते थे। हाँ, वो परन ही बहुत सुंदर है जी। बिल्कुल पढ़िए आप। अच्छा, तिन तिन न क हिन धा क हिन धा, भागे टिट किट धान धा, धा तकिट धा, धा तकिट दिकिट थुन 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 नगे 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 धा नगे धा नगे धा, तकड़ांत दाते दात दात, तकड़ांत दाते दात दात, तकड़ांत दाते दा तरा तरा। वाह, अब इसमें हमने कुछ नहीं, शब्दों का कलबल थोड़ा चाहिए जी, और तबले के हिसाब से धा न धा धा त्रिकृत धा वाह। तो यही सब तो कथक में होता है आदान प्रदान। जी, मुझे और एक याद आ रहा है, जो एक परन वो नाचती थी जो त्रकड़ देता कत, वो जो तीन ताल में वो इतना सुंदर पढ़ती थी और करती भी थी, बहुत अलग ढंग था उनका। और फिर शायद उसके लिए आपने कोई जोड़ बताया था या ऐसे। जी जी हम बताते हैं, पूरा किस्सा आपको आज बताएंगे, बताइए आपको पढ़िए। अच्छा, वो मुझे लगता है मैं उनका वीडियो ही दिखाती हूँ। हाँ तो बहुत अच्छा होगा, उनकी पढ़न भी है। अरे वाह, उनकी पढ़न भी सुन पाएंगे। जी 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 जी, देख लेते हैं। कहने आपने जैसा देखा, जब हम ये पहली बार क्लास पे उनको पढ़न करते हुए सुने और उनके पढ़ने का लहजा आपने देखा, खासकर वो जो तिहाई है ना, हाँ, वो अपने लीक से एकदम हटके जी, और ऐसे वो तेवर में उसको पढ़ती थी कि वो क्या बात है, आपको क्या बात है कहने के लिए वो विवश हो जाते, आप हो जाएंगे। तो हमको ये बहुत अच्छा लगा, बहुत हम उनसे कई बार कहते थे कि बेबीता पढ़िए ना। हाँ, ऐसे ही क्लास वो त्रकड़ देता का दीक है, धागे के धागे के धागे के दिन, ये तो बहुत खुश भी होती थी, ऐसा आपको ये बंदिश इतनी अच्छी लगती है, पढ़ती थी। उसी क्रम में एक बार हम बनारस गए थे, हमको याद आ रहा है, और गुरु जी के घर गए तो एक शाम पूछे हमसे कि अच्छा रोहिणी जी के साथ इतना बजाते हो, माफ कीजिएगा ये उनके शब्दों में हम कह रहे जी, तो कुछ पढ़ो। अब मुझे ये ताजा ताजा याद था, हाँ, त्रकड़ देता कर, तो हमने पढ़ दिया, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बोले ये बहुत पुरानी रचना है जी, इसका जोड़ा तुमको मालूम है। हाँ, नहीं अमन, तो यही पहली बार सुना है हम। तो बोले कि हम तुमको जोड़ा सिखलाते हैं और ये जाकर उनको सुनाना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और जब हम बनारस से पुणे आए फिर,
तो हम जब गए क्लास पे तो हमने कहा कि विविता ऐसे ऐसे हुआ, गुरु जी को हमने सुनाया और उन्होंने इसका जोड़ा बतलाया, तो तुरंत उन्होंने कहा कि पढ़िए, मैंने सुना है लेकिन मेरे पास है नहीं इसका, हमने सुना है तो यदि वो वही है तो आप पढ़ेंगे तो मुझे पता चले। तो हमने पढ़ा, उन्होंने तुरंत कहा कि यही हमने सुना था अपने गुरु से, आप ये हमको दे दीजिए। और उन्होंने वो गुरु जी के नाम से अपनी डायरी में लिखा, लेकिन क्या वो भी बंदी से जो जोड़ा है हम वो पढ़ देते हैं जी। बहुत सुंदर। अच्छा आजाद जी, एक और बात पूछती हूँ कि कुछ ऐसे यादें बताइए आपकी। एक तो कोई ऐसा अविस्मरणीय गुरु रोहिणी जी का सोलो का प्रोग्राम जो आपके मन में रह गया, बस गया हो। देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं उनके प्रोग्राम, अनगिनत, हर एक प्रोग्राम उनका अनोखा हुआ करता था कि किस किस का जिक्र करें, मगर एक हम जो कभी नहीं भूल पाएंगे वो पूना का ही एक प्रोग्राम जी, और नारायण पेट में एक स्नेह सदन छोटा सा हॉल है, बिल्कुल। और मुझे भी तारीख ठीक से याद है तो शायद वो 5 जुलाई 1995 बिल्कुल सही, 95 की बात है, बिल्कुल सही। और उसमें 10:30 ही हुआ था, बिल्कुल। और वो खचा खच सब लोग भारतीय बैठक में इर्द गिर्द बैठे हुए पूना के सभी कलाकार थे, और क्या अद्भुत प्रोग्राम हुआ था, अद्भुत हुआ था, बिल्कुल। ऐसा साढ़े दस नहीं है दूसरा शब्द, ऐसा 10:30। उसकी यदि रिकॉर्डिंग आपके पास है जी, और उसका कुछ आप यदि बिल्कुल दिखाएंगे, कोई क्लिपिंग दिखला सके, बिल्कुल। वो ऐसा कुछ प्रोग्राम था ना, सारे लोग जितने ऑडियंस में थे ना, वो बाहर जाते हुए जैसे, पता नहीं ये शब्द सही है कि नहीं, सन्न रह गए थे कि ऐसा देख लिया कि न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल बिल्कुल सही, वीडियो से ये कल्पना नहीं कर सकते, वो तो वाइब्रेशंस होते हैं जो असल में देखने होते, फिर भी हम उसकी एक झलक देख लेंगे। नटवरी, नटवरी is a term generally used to describe the type of language used in Kathak to identify its typical technique, which is the lasya or an ornate and refined style of dance, signifying particularly the dance of Krishna, meaningfully called Natwar or the best among dancers. At the base of the Natwari language of dance, there are only 3 syllables, ta, te, tat, giving rise to a variety of graceful and flowing patterns of movement of the special Natwari kind. Guru Rohini ji's contribution in this aspect of Kathak has no parallels. Okay.
आपने हमसे वो प्रोग्राम का जिक्र कहा कि कीजिए कोई उनके आपको एकल प्रस्तुति के विषय में, और हमने कहा जी। मगर इसी प्रोग्राम से शायद प्रेरित होकर उनके जन्मदिन पे भी एक कविता लिखी। वो प्लीज सुनाइए। और हमने उनको जन्मदिन में यही अपनी तरफ से भेंट रखा, उसको हमने फ्रेम करवा के जी, मतलब हम तो पन्ने पे दिए थे, फिर उन्होंने उसको नृत्य भारती पर लगा हुआ है वो, तो हमने उसमें ये लिखा था जी कि कर विचार कर थक के किया निसार जीवन, कर विचार कर थक पे किया निसार जीवन को और दिया उतार उस ऋण को, कहत जिसे विद्यादान। वाह वाह, क्योंकि वो तो शिष्यों में जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है शिष्यों से उनका नाता, और आप तो इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। तो शिष्यों में जीती थी जी, तो हमने वो सब देख कर ही लिखा था कि कर विचार कर किया निसार जीवन को और दिया उतार उस ऋण को, कहत जिसे विद्यादा। धन्य है वो गुरु जी, सोहन जी मोहन जी लच्छू जी महाराज। धन्य है वो गुरु जी, सोहन जी मोहन जी लच्छू जी महाराज जी, किस्त ऐसा पालिया रोहिणी सार्थक। वाह, अत्ता नगे तिथि कथा गदी गण अता धा क्रधति धा साढ़े दस कृति ज्ञान। वाह, क्या बात है। ता नगे तिथि कथा गदी गण अता धा क्रधति धा साढ़े दस कृति ज्ञान। अतिन्द तिन्द नक धिन्द धा तधिन्द जगत रिक्त धाति धारा दिन्द धा दिन्द धारा दिन्द धा दिन्द धारा दिन्द धा जब उनको ये पढ़ के सुनाए थे जी, इतनी खुश हुई थी, बोली इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता जन्मदिन का। तो ये जो अभी हमने वीडियो देखा था उसमें नटवरी बोल थे, तो इससे मुझे याद आ रहा है आपके बनाए हुए नटवरी बोल। तो नटवरी हमने तीसर जाति में, आप जैसा कह रही हैं जी, दा त्रक धन दा दा धन धन दा दा धन धन दा त्रक त्रक दे दे दा दे दा दे दा दा अति अति ना ता दे दे अभी तीसरे भी चल रहा है और उसकी मस्ती भी बनी हुई है। तो इस लहजे को लेकर, वाह वाह, कितना मीठा भी है, कितना क्रिस्प है, कितना सुंदर है।
और एकदम नर्तन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट। अरे सब उन्हीं लोगों की कृपा है। बहुत सुंदर। अच्छा एक ऐसा भी ऐसी भी याद कोई बताइए जो नृत्य भारती के ट्रूप के साथ आप गए हो बजाने। मुझे याद है और एक जो मतलब कितनी सारे टूर्स हो गए लेकिन जो यूरोप गए थे और इटली में गए थे तो आप दोनों का जो वार्तालाप चलता था इटालियन लैंग्वेज में वो बेमिसाल था। उसमें सबसे जो हाइट बातचीत होती थी ना इटालियन लैंग्वेज ना उनको आती थी ना हमको आती थी, लेकिन हम लोगों का कम्युनिकेशन इतना तगड़ा होता था कि एक दूसरे को समझ जाते थे जी, है ना। और क्या बात है, क्या कहने, जो ओरिजिनल इटालियन है ना वो कंफ्यूज हो जाता था। ये दर्शकों के लिए मैं ये बात कहूं कि सच में इन दोनों को बिल्कुल इटालियन नहीं आती थी, लेकिन एक खास चीज है कि किसी भी नई भाषा का भी जो लहजा है ना वो पकड़ना इन दोनों के लिए बहुत आसान होता था। तो ये थोड़े एक दो चार दिन वहां रह क्या लिए कि सच में अगर दोनों को सुने तो वैसे ही कुछ लगता था कि सच में इटालियन में बात कर रहे हैं और हम लोग की बात हो जाती थी। हाँ हमको क्या कहना है वो समझ जाती थी, कन्वे हो जाता था। हाँ हो गया, कोई हंसी मजाक नहीं, हो गई तो बातचीत भी हो गई। हम लोग तो बस हंसते रहते थे बस। तो बहुत अलग हंसती थी, बहुत सारे हर चीज का आनंद, हंसना बहुत पसंद था। हाँ हर चीज का आनंद लेते जी, कार्यक्रम हो, गाना बजाना हो, खाना पीना हो जी, फिरना हो, सभी बातों का आनंद, सबकी तरफ पूरा ध्यान उनका रहता था। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे एक चीज अलग से पूछनी है कि आपके सतत संशोधन की वजह से आपका तबला जितना पारंपरिक प्रतीत होता है उतना ही काल समांतर और नाविन्यपूर्ण भी लगता है हमेशा, तो इसके पीछे किस तरह के सजग प्रयत्न होंगे वो ये शायद छोटे तबला वादकों के लिए मार्गदर्शन रहेगा, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। नहीं देखिए हम खुद एक विद्यार्थी की भूमिका में हैं और नवीनता के लिए आप कुछ करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। आपको जो तालीम मिली है आप उसकी रोज वैसे पूजा करें जी तो रियाज आपको बहुत कुछ सिखलाता है। बहुत बड़ी बात है, रियाज ही आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। वाह वाह, यदि आप उसको उस भाव से देखते हैं जी, तो आज भी जब हम जो इतने सालों से कायदा बजाते आ रहे हैं या ठेका कह लीजिए, जानते हैं तीन ताल जब हम पंडित राजन मिश्रा जी के साथ बजाते हैं तो हमको खुद लगता है कि ये ठेका इस तरह से बर्ताव कल हमारा नहीं हो रहा था। तबला बड़ा है, साज बड़ा होता है, कलाकार बड़ा नहीं होता है। पंडित जी भी कहते थे कि राग बड़ा होता है जी, गायक बड़ा नहीं होता है जी। वाह वाह, तो आपकी नजर वैसी होनी चाहिए तो नवीनता का प्रादुर्भाव हर वक्त होता रहता है जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। वाह, यदि आप समर्पित है ना जी तो रोज आपको रियाज ही आपको रास्ता भी दिखलाता है। बिल्कुल, तो हम तो रोज अपने गुरु जी को देखते हैं और वो हमको रास्ता भी दिखलाते हैं, तो रोज नवीनता होती रहती है। मैं कुछ करने के लिए नहीं करता कि मैंने किया, हमको लगता है नीलिमा जी जी कि मैंने किया कहने के बजाय हमको आज ये रास्ता दिखा ये कहना ज्यादा सही है। एकदम सही है, एकदम सही है, और आपको वो हो जाता है, बस यही अपने है। आप हो जाता है वो। जी जी जी, तालायन संस्था है आपकी और बहुत सारे शिष्य हैं और मुझे पता है कि आप सबको बहुत प्यार से सिखाते हैं और कठोरता से भी सिखाते हैं,
बहुत सारी सहायता भी करते हैं। तो आपका ये जो शिष्य परिवार है, इसके लिए आप किस तरह का उनका भविष्य देखते हैं, उनसे मतलब क्या करें, क्या चाहते हैं आप? जी, हमारा शिष्य परिवार बहुत अच्छा है, हम उनसे बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, वाह, और ये सब भी बहुत मन से जुड़े हुए हैं, तबले से भी, हमसे भी, और इस परंपरा से भी, और बहुत श्रद्धा भाव से जुड़े हैं, जी और अपनी अपनी समझ से सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज का जो जनरेशन है, जो आज हमसे सीखते हैं, ये लोग बहुत प्रतिभाशाली, बहुत प्रतिभावान है, वाह, हम लोगों के दौर से ज्यादा सभी बातों। आप एजुकेशन में भी देखेंगे, गाने बजाने में भी, तो ये जनरेशन बहुत टैलेंटेड, है बहुत टैलेंटेड। जी, तो हम ये गुरु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हम्म, से प्रार्थना करते हैं, कि बस इनको अच्छे मार्ग पर, अच्छी सद्बुद्धि के साथ इनको आगे बढ़ाए। वाह वाह हम यही कामना कर सकते हैं। जी, हम तो खुद विद्यार्थी हैं, तो हम इनको क्या सिखलाएंगे। बहुत प्यार से ही हम इनके साथ रहते हैं, इनके जहां हमारी भूमिका लगती है कि हमको गार्जियन के रूप में रहना है, वहां गार्जियन, लेकिन हमारी ज्यादातर भूमिका मित्र की होती। वाह, अब चलता है, उसमें सब कुछ होता है। हाँ, जी लेकिन तबले को लेकर हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। तो हम शिष्यों के साथ उस समय कि बिल्कुल खासकर यदि किसी बुजुर्ग की बंदी साहब बजा रहे हैं, तो उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इतना ध्यान जरूर। जी, बस बाकी ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हमसे बहुत आगे जाएंगे। वाह। आप तालायन संस्था की एक और चीज मुझे बतानी है कि आपने शायद 94 में एक तबले की संस्था ने आपने आयोजन किया था, गुरु रोहिणी जी का एक वर्कशॉप आपने 8 दिन का रखा था और एक प्रोग्राम, और महाराष्ट्र के 40 डांसर्स उसमें थे, जिनमें मैं भी एक थी, और इतना सुंदर वर्कशॉप हुआ था, और मुझे लगता है कि उसकी कम से कम एक झलक हम देख लेंगे जरूर कि किस तरह से गायक, वादक, नर्तक वहां वो उस आखिरी दिन पे इकट्ठा हुए थे, और रोहिणी जी के जो मतलब उन्होंने प्रस्तुत भी किया था, बातें भी की थी, उसकी एक झलक दिखाते हैं। जरूर, हमसे खुद रोहिणी जी ने पूछा था कि जी आपके मन में ये विचार कैसे हुआ कि एक तबला वादक कथक का वर्कशॉप करे। तो हमने उनको तब जो कहा था जी कि हम कहे कि हमको आपके साथ एक सप्ताह रहने का मौका मिल जाएगा, वाह 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 बाकी तो लोग कथक सीखेंगे, जी, लेकिन हम कथक शायद समझ पाएंगे और अच्छे से। वाह वाह, क्या बात है, मुझे लगता है कि सिर्फ आप नहीं, तालायन भी नृत्य भारती के साथ वैसे जुड़ा है,
अलग अलग ओकेजन पे और जुड़ा रहे मतलब हमेशा। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये अमृत महोत्सव हो रहा है तो आप अगर नृत्य भारती के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे जो भी, तो जरूर हम यही कहेंगे नृत्य भारती के लिए कि इसको रोहिणी जी ने अपने विचारों से सींचा है, इसको जी अपने परिश्रम से इसकी एक एक ड्योढ़ी उन्होंने रची है ना, इसका ताना बाना कोना है वो, और ये आप ही लोगों के लिए है, शिष्य परिवार के लिए ये तीर्थ है ये नृत्य भारती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बाबा विश्वनाथ से, साईं बाबा से, सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि नृत्य भारती ऐसे ही संगीत में परिवार के रूप में आप सभी लोग जुड़े रहें। वाह वाह। और रोहिणी जी ये लोग कभी भले ही इतिहास में लिखे जाएंगे जी, लेकिन ये वर्तमान में भी हर समय रहे, हर समय रहते हैं। बिल्कुल, आपको हर समय पता चलता है जी, सही है। तो हम यही कामना करते हैं कि नृत्य भारती संगीत में अपनी यात्रा जी निरंतर उसकी बनी रहे, खूब फले फूले, और हमको भी उस परिवार का आप लोग हिस्सा मानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये सब बना रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ आपने गुरु रोहिणी जी को आह्वान करने में मेरी सहायता की, आपकी तरफ से इतना योगदान दिया है, तो नृत्य भारती की तरफ से मैं आपके लिए बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर बातें आपने कही, इतनी यादें, इतनी बारीक चीजें जो सीखनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस समय पर जो एक बहुत सुंदर तस्वीर है, जो हम दोनों के गुरु, गुरु रोहिणी जी और पंडित किशन महाराज जी, इनको संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से एक ही समय पर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद जी से अकादमी रत्न पुरस्कार मिला था, जी, वो जी, तस्वीर जी, देख लेते हैं। अरे वाह वाह, हाँ, जरूर, तो जी बहुत सुंदर, बहुत भाई, फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, और हम बहुत छोटे हैं फिर भी आपने हमको इसमें आमंत्रित किया, हमारी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी आपका बड़प्पन है, आपका आभार। बार ये कह रहे हैं लेकिन ये बातचीत सुनने के बाद सब लोग समझ ही जाएंगे। ओके जी, नमस्ते।